गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बस उठ चुकी हूँ, आज सुबह हो गई है, अभी अच्छे से फ्रेश हो गई। शांति, अभी दो दिन आराम, रिलैक्स के मूड में हूँ। अभी सोचा चलो सुबह से ही ब्लॉग बना लूँ और फिर देखते हैं। आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी लेनी थी, वो भी मैं कल जॉब से निकली तभी मैंने ले ली थी। तो आज कहीं भी नहीं जाना है, बस आराम करूँगी, क्योंकि उस दिन गरबा खेल के भी थोड़ा था, कभी निकला नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन तुरंत ही जॉब पे जाना था। तो सिर्फ दो घंटे ही सोई थी सिर्फ, फिर निकल गई थी। बस जॉब से आई, फिर आके ग्रोसरी लेने गई थी, ग्रोसरी लेने के बाद घर आई, फिर खाना बनाया, तो सब ऐसे ही चलता रहा कल। तो कल व्लॉग भी नहीं बना पाई थी मैं, थोड़ा बहुत मैंने वॉलमार्ट का लिया है, आपको बाद में वो थोड़ा ऐड कर दूंगी, आप लोग देख पाओगे। ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि बहुत बहुत थक चुकी थी, मूड में ही नहीं थी कि मैं कुछ ले पाऊँ। घर आके भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाऊँगी। ऐसे ज़्यादा इतना भी नहीं खेले थे, पर क्या है कि बहुत टाइम बाद ऐसे उछल उछल के खेले ना, तो उसका थाक थोड़ा लग गया था। बाकी सब अच्छा है, आज का दिन भी अच्छा है, बाहर मस्त ऐसे गर्मी हो रही है आज, तो तड़का है, सूरज ज़्यादा निकले हुए हैं, तो अच्छा है थोड़ा। अभी देखते हैं, मस्त फ्रेश हो चुकी हूँ, अभी देखते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर इंडिया बात करेंगे आज सबसे। ऐसे जनक से रोज़ बात होती रहती है, पर बाकी सबसे नहीं होती, तो छुट्टी के दिन ही कर लेती हूँ मैं फिर, क्योंकि टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है, सुबह शाम तो नहीं हो पाती, जॉब पे होती हूँ, आती हूँ फिर नहीं होती, तो फिर देखते हैं आज कर लूँगी सबसे, कैसा चल रहा है वहाँ पे। वहाँ अभी तो श्राद्ध चल रहा है ऐसे, तो श्राद्ध में तो सब लोग जैसे जैसे सबकी तिथियाँ होती है वैसे सब लोग करते हैं, पर उसमें ऐसा है जितना मुझे नॉलेज है, अगर आपको पता ना भी हो, अगर आप चलो कुछ भी हो, पर आप अमास का श्राद्ध कर ले तो सबका हो जाता है, क्योंकि हमें सबकी तिथियाँ याद नहीं होती ना, हम अपने घर वालों की याद होती है, पर अपने पूर्वजों की जैसे बोलते हैं वो सब हमें पता नहीं होता तिथियाँ। तो अमास के दिन भी आप सब कर लो तो उसमें सबका ही आ जाता है, जैसे बोलते हैं हमारी 7 पीढ़ियाँ होती है तो वो सबका आ जाता है, तो वो भी कर सकते हैं उस दिन। बाकी उसके बाद तो नवरात्रि शुरू होगी, और इस बार तो लग रहा है इधर इतना है तो इंडिया में तो देखने लायक होगा, क्योंकि गणपति का भी आपने देखा जैसे लोग, इतना क्रेज था इस बार, तो नवरात्रि की तो धूम मचेगी इंडिया में, क्योंकि 2 साल से किसी ने किया ही नहीं है इतना अच्छे से, और इस बार इतना शायद रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट का भी, जैसे गणपति में भी नहीं था उनका, तो नवरात्रि में भी नहीं लग रहा है कि होगा ऐसा कुछ। तो चलो देखते हैं इंडिया में भी कैसा रहता है सब आगे। आज के लिए अभी इतना ही है, अभी देखते हैं बाद में क्या करती हूँ, पहले जाके चाय नाश्ता बनाती हूँ। ओके, चाय नाश्ता हो चुका है और ये शाम की वॉक के लिए निकली हूँ। अच्छा सा एटमॉस्फेयर है और सब कुछ अच्छा लग रहा है बाहर। आज आपको यहाँ से सनसेट दिखाती हूँ, ये बीच वाला सनसेट नहीं है, ये घर वाला सनसेट है।
गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू पूजन डायरीज। कैसे हो फ्रेंड्स लोग? आई होप एवरीवन इज़ गुड, फाइन एंड हेल्दी। मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज हम देखेंगे यहाँ वहाँ क्या चल रहा है। अभी तो हमारा तो काम में बहुत टाइम बिजी हो रहा है, और काफ़ी दिनों से इतना बिजी डेज जा रहे हैं, क्या बताएं आपको। और ये सीज़न चल रही है तो परेशान हो गए हैं, काम काम काम। तो और बाकी और अभी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी भी बारिश हो जाती है भाई, ऐसा थोड़ी चलता है। हम कहीं भी निकले तो ये बारिश की वजह से भाई अटकता है, और घर से निकलो तभी बारिश होती है, पहले तो हैरान कर देता है। आज भी मौसम काफ़ी सन तो दिख ही नहीं रहा है, क्या बताएं आपको, सन तो हैरान करती है। तो चलो अभी हम रेडी होते हैं, रेडी होकर फिर स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से जॉब, जॉब से फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं, यहाँ वहाँ देखते। और आज कैसा रहता है, काम में तो बहुत बिजी रहते हैं, तो फिर शाम को ही निकलते हैं, शाम को निकल के फिर वापस ट्रेन पकड़ो, ये पकड़ो, घर आओ, वापस खाना पीना करो और फिर सो जाओ। तो मौज करते रहेंगे, आप भी एंजॉय कीजिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू पूजन डायरीज। पहुँच गए हम ऑफिस, काफ़ी तकलीफों के बाद। ट्रेन में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, आज बहुत पब्लिक था, तो बस अभी पहुँचे हैं ऑफिस, देखते हैं कैसे काम रहता है सारा कुछ। तो मिलते हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे काफ़ी दिनों के बाद। वो थोड़ा वॉकिंग करके जा रहे हैं, देखते हैं, तबीयत थोड़ी वीक तो है बट अच्छे से कर लेंगे, उसमें क्या है, चार माले ही तो चढ़ने हैं।